तो गाइज आज के इस व्लॉग में हम आपको मिलाएंगे एक अजीबोगरीब क्यूट शक्ल के प्राणी से, पर कोई हंसेगा नहीं। हाय गाइज, तो हमारा दिल्ली का ट्रिप खत्म हो गया है, मेरा आई मीन, और हमारे साथ एक नए पैसेंजर जुड़ चुके हैं। आइए आपको इनसे मिलाता हूँ। ये हैं हमारे अमित भैया, अमित सिंह, और ये हैं सुमित सिंह। क्या बोला तूने? अमित सिंह और ये हैं सुमित सिंह। आइए आपको इनसे मिलाते हैं अंदर। अभी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, वार्तालाप करेंगे, क्योंकि अभी बज रहा है सुबह के 5, ठीक है, और हम लोग बहुत पहले एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। 2 घंटे पहले हम पहुंच गए हैं, टाइम से पहले बिफोर पहुंच गए हैं, और आगे की बातें हम करेंगे ब्लॉग में अंदर एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। इतना बिफोर आने के लिए सारा जिम्मेवारी विशाल जी का है। थोड़ा सा इस ब्लॉग में एक इंसान को इग्नोर करना है आपको, इनको। अच्छा जब तक दिखेंगे तब तक। क्या बोल रहे थे? क्या, कौन आपसे बात करना चाहता है? एक बेचारी लड़की बैठी है वहाँ पे, सुंदर सी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तुम, वो तुमसे बात करना चाहती है? अरे तुमसे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ यार। कह रहे हैं वहाँ पर एक लड़की बैठी थी, कह रही तुम क्यों आए विशाल, वो मेरे से बात करना चाहती थी। अनएजुकेटेड टाइप का बात कर रहे हो। अनएजुकेटेड, ओ माय गॉड, मुझे लगा था अनएजुकेटेड बोलेगा इंसान, ये अनएजुकेटेड बोल दिया भाई। लड़की अगर होगी तो या तो किसी की लड़की होगी, कोई गर्ल्स, या तो कोई गर्ल्स, किसी का लड़की होगी या किसी की बेटी होगी, किसी की सिस्टर होगी, ये सारी दुनिया जानता है। कैसे बोल सकते थे, साइड है दुनिया जानती है। और तुम ये बताने की जरूरत है, इसका मतलब कन्फ्यूजन है, तभी तो मुझे बता रहे हो। लेकिन वो बेचारी किसी से बैठी हुई अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, कह रही है कि मेरी वजह से अपने बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल कट कर दिया। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही थी, जाके छेड़ रहा हूं तुमको। ये सब कोई फायदा नहीं है। एक नया बैग तुम लेके आए, ये पालिका बाजार से सरोजनी से खरीद के लेके आए, कहता है कि एलवी का बैग है, इसको मैं लगेज में नहीं दूंगा यार, खराब कर देगा। नहीं मैं कैसे दूंगा, पर भाई दूंगा। फिर तुम गलत, इसको पहले तुम आई करो ऐसे, ऐसी बातें करते रहेंगे ये। पहले मुझे जिम में मेरे ट्रेनर थे, गजब बेइज्जती है, जिम में दोस्ती हुई थी हमारी। सबसे पहले मुझे जिम में मिले थे, तो जिम में स्टार्ट हो चुका है, जिम में वहाँ पे वर्कआउट करने मैं गया था, ये वहाँ पर पानी भरते थे, जो जार में पानी खत्म हो जाता है, तो पानी भरते भरते एक पानी का बोतल पूरा खा गए, और वो पानी का बोतल पेट में अटक गया यहाँ पे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और ये अमित सिंह हो गए, और तब से ये सुमित सिंह हो गए। ये सुमित सिंह और ये भोला का बेटा, भोला का बेटा, ये भाला। देखिए लग रहा है कि कोई एलियन चल रहा है। चलो जहाँ लड़की रहती है तुम वहीं जाता है। देखो इसको धूप चाहिए, धूप। एलियन भाई आया है, इसको धूप चाहिए, धूप। अभी थोड़ी देर पहले की बात याद आई है, हम लोग घर पे थे इनके, और इनका बोर्डिंग नहीं हुआ था, तो इन्होंने एक पुलिस वाले को एयरपोर्ट पे फ़ोन किया कि मेरा बोर्डिंग करवा दीजिए इसकी, मेरे सीट के बगल में। आधी रात को, 3:30 बजे रात को उसको कॉल करके उसको उठा दिए। जब उसने बोर्डिंग करा दिया, तो उसको फ़ोन करके उसको बोलते हैं, ठीक है ठीक है, आपको इतनी रात को परेशान किया, उसके लिए थैंक यू। वाह, थैंक यू। नहीं बोला थैंक यू, कहने जा रहे थे सॉरी, तो मुंह से निकल गया थैंक यू। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ज्यादा इंग्लिश की आदत नहीं है, सोचा कि इकट्ठा एक ही बार लाइन आ रहा था, तो मुंह से थैंक यू की जगह सॉरी की जगह थैंक यू निकल गया। बच्चा हमारा बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ, लगान वाला भाई, हमारा हीरा है और खाता खीरा है। ध्यान से इनको देख लीजिए, यही है वो कातिल दरिंदा जो
जो लड़कियों को अपने हुस्न के जाल में फंसा के उनको बहलाता है, उनको फुसलाता है और उसके बाद कुछ नहीं करता है, सीधा साधा है भाई मेरा। लोग सब जानते हैं कौन सी गाल देखिए, इसका माल देखिए, जो लोग इनको नहीं जानते हैं मैं बता देना चाहता हूँ कि ये है, सारे लोग जानते हैं, चुप तुमको, सारे लोग जानते हैं। और ये अभी मनीषा के नेक्स्ट ब्लॉग में, कार वाले ब्लॉग में ये इंसान दिखने वाला है। मनीषा ने इनको दिल और बिल के नाम से बहुत फेमस किया है, उस ब्लॉग में आप लोग इनको देखेंगे, उसके बाद अच्छा आप पहचान लेंगे, जहाँ भी आप इनको मिलेंगे उनसे सेल्फी। विशाल को और मनीषा रानी को बहुत ही अच्छा गिफ्ट किया है उस, मैं नहीं मानता, जो आप लोगों को दिखेगा सरप्राइज है कि क्या मैंने दे रखा है। हम लोगों ने जो गाड़ी खरीदी है ना, उस गाड़ी में पीछे वो सीट पे पीछे का कवर लगवाया है इन्होंने अपने पैसे से, 500 रुपए का गिफ्ट किया है। गाड़ी का पैसा मांग रहे हो कि गाड़ी इतना महंगा, गाड़ी खरीदने के बाद पैसा खत्म हो गया हम लोग के पास, थोड़ा तो कुछ अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सलम नंबर ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया था एक दिन तक, दूसरा नंबर यूज कर रहा था, सलम नहीं आता है तुमको, अरे दिन भर करते ऐसे ऐसे करते करते गाल कर लिया। अरे कहना क्या चाहते हो? वो इतनी देर इंग्लिश में बोली गई, तुमको क्या समझ में आया? सब कुछ समझ में आया। क्या बोली वो? तुमको क्या बताओ? तुम खाली इवैक्यूएट का मतलब बताओ, जो बोली तीन बार बोली इवैक्यूएट इवैक्यूएट का मतलब होता है वो ऑक्सीजन वाला होता है। ध्यान से सुना है वो बेचारी, आकर के इमरजेंसी विंडो वालों सबको बोलिए ये अच्छे सुन रहा था। हेलो गाइस, ये पहली बार फ्लाइट में चढ़ रहे हैं गाइस, आज यहाँ पे खड़े होकर पत्ते पर से फोटो खिंचा रहे थे गाइस, इसको गार्ड बहुत डांटा है। हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। उतार नहीं रहा है, क्योंकि मैं रात में सोऊंगा तब उतारूंगा। कह रहा है जब तू चश्मा खरीदा, ये चश्मा बहुत काम आ रहा है यार, इसमें किसी भी लड़की को देख रहा हूँ तो उसको पता नहीं चल रहा कि मैं उसको देख रहा हूँ। एलबी के बैग का कसम, भगवान की कसम खाया जा रहा है, चश्मा खरीद के आया एयरपोर्ट पे, दो चश्मा दिया भाई, एक दिन में पहन निकले एक रात में। कहते वाह कितना अच्छा काम कर रहा है चश्मा, किसी को भी देखो पता नहीं चल रहा है इस तरह की सोच। नहीं माता रानी कसम, तुमने नहीं बोला यार माता रानी, ब्लॉग वीडियो में अच्छा दिखने के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं। ओ माय गॉड, एक एयर होस्टेस को कॉफी दे देती है, जब से वो दे दी गई है तब से कह रहा है कि अभी जस्ट बोला कि जो एयर होस्टेस आई थी उसको नंबर दे दूँ क्या, उससे पूछ उसको चाहिए कि उससे देखिए क्या इस तरह का रिहैब रिहैब नहीं बना। देखिए मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है समरिया, मेरा काम है कि सच्चाई को आपके सामने रखना, मैं एक ब्लॉगर हूँ, सच्चे दिल का ब्लॉगर, अबे साले सच्चे दिल से आपको सारी बातें बताता हूँ, किसी इंसान की सच्चाई में यहाँ पर रख रहा हूँ। ये कह रहा है कि अब तो तुम ब्लॉगर बन गया यार, तुम्हारे से घूमने लायक नहीं है कहीं भी, हर थोड़ी देर में कैमरा ऑन कर दे रहे, क्या मैं गलत हूँ? नहीं।
नीचे जवाब दीजिए कमेंट में, क्या मैं गलत हूँ कि मैं सही हूँ? मैं सही हूँ, मुझे पता है। खाने के लिए पैसा दिया और खा कौन रहा है? खाने के लिए पैसा दिया, रोटी रोटी मारने लगती है, पैसा मारेगी। जब से बैठा है तब से मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार का ऑर्डर कर दिया फ्लाइट में बैठ कर। ये इसका अभी पेट का राज समझ में आ रहा है हेल्थ का? पहले जिम में ट्रेनर था, ये देखिए क्या आपने हेल्थ के साथ किया। पहले इसकी बॉडी थी, मसल्स थे, आप देखिए मसल्स सिर्फ एक जगह है पेट पे। क्यों ऐसा? जनता जवाब चाहती है, जनता जवाब चाहती है, जनता तो कब मजा माना चाहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छी है, क्या बोला तूने? अबे साले गर्ल्स है, अरे एक ही लड़की है, गर्ल्स क्या बहुत ही अच्छी है। बात तो सही है, इंग्लिश नहीं है, तुमको इंग्लिश नहीं आता क्या बोलता है? इंग्लिश नहीं आता क्या? हम पढ़ा लिखा नहीं, नहीं मैं नहीं मानता, पढ़ा लिखा नहीं है तुम, करोड़ों का धंधा खोल के बैठे कब से कह रहा है कि बेल पे जाकर के एक दूसरे को बुलाने के लिए बना शाहरुख खान बोले जो शाहरुख खान की मूवी थी चलेंगे खेल में। आप तो पागल कर दिया है, ये हमेशा कर रहा हूँ करके रखा बोल रहा है कि कुछ मसाला के बारे में बोलता हूँ, मेरा ब्लॉक मिल जाएगा मिल जाएगा। कब से कह रहा है कि बेल मिला करके उसमें उसको बुलाओ? हमारे अंदर कितना टैलेंट है, टैलेंट देख रहे सब्सक्राइबर सब्सक्राइब नहीं बोल पा रहा, सब्सक्राइब कर देखिए सारा फेक बना रहा है लोग प्रणाम करके। कब से शाहरुख खान मिलने की कोशिश कर रहा है? वही मूवी आई ना चेन्नई के खेल, तब से वो करने की कोशिश कर रहा है जस्ट लगा कर। देखिए लड़की अभी गई यहाँ से गुलाब जामुन जैसा मुंह देख रहा है छेना को। कब से बोल रहा है कि ये तुम क्या कर आजकल? कैसा लग रहा है शहर में आके? इसे पहला बार देखा ना सब एयरपोर्ट सब लाइट वाइट ये ना इसे तुम्हें तो दिखाया सब कभी देखा नहीं है तो अच्छा लग रहा है। देखो 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 कटने देखो देखो कटने वो देखो कटने क्या देखो देखो कटने क्या भाई भाई ये पागल हो गया ब्लॉक के चक्कर में पागल हो गया। मैं तो यही बोलूँगा पागल हो चुका है। बात तो सही है, गांव के लोग हैं यार, क्या समझ में आएगा इनको? हम लोग शहर वाले हैं, ये लोग गांव में ये एयरपोर्ट फ्लाइट देख के पागल सा हो गया था, एकदम ऐसे हो गया था कुछ नहीं। फ्लाइट के सामने फोटो खिंचाते हैं, वहाँ खड़े होकर पोज मार रहा था, क्या बोले छोटे गांव का आदमी है। चश्मा खरीद लिया, सोच रहा है चश्मा खरीद के करा कि लड़की को देखने में मजा आ रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है क्या देख रहा हूँ, क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तुमको आज मुंबई मैं बताता हूँ, मुंबई में दरवाजा इसका उसका लॉक मत खुलना। जितना बोल रहे इसकी हरकत तो लग रहा है जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो हमारा है। बात तो सही है, श्रोता मेरे भगवान है, बदमू से नहीं। जिस दिन मैं कमाई लाऊंगा उस दिन पब्लिक को दिखेगा मैं क्या क्या करूंगा लोगों के लिए।
और ये दिल से बोल रहा हूँ, दिल से माता रानी सारे लोग खा के शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तुम नहीं बोलता दिल से, तुम खाली चश्मा खरीदते हो और पेट बढ़ाते हो दिल से। चलो यार बोलता नहीं, बोलता नहीं हो अभी एज में छोटा है, तो हमसे मार भी डालते हो। चलो अंदर जाके बोल के पढ़ाई करते हो। खत्म, बाय बाय, टाटा।